सर में दर्द हो रहा है भाई? हाँ हो रहा है। बाबा साशा के घर क्या करने गए हैं? मेरे ताबूत पे आखिरी कील ठोकने गए हैं। वो कैसे? छोड़ इस बात को, तुम मैसेज करके पूछो ना साशा से। क्या पूछूं? अरे यही कि बाबा वहां पे क्या करने गए हैं। इतनी ही टेंशन थी तो खुद चले जाते। पापा ऐसा क्यों करते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा यार, मतलब ये कोई तरीका है? चल क्या पता। सुल्तान, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ भाई, सब खैरियत है। कुतुब, क्यों अचानक हमारा यहाँ इस तरह फौरन चले आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं भाई, तुम्हारा अपना घर है, 100 बार आओ। लीमा भाभी, मेरे कमर तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे साथ भी यही है, अभी अभी पेन किलर लेकर आ रही हूँ मैं भी। क्यों भाई? यहाँ सुल्तान अपनी बारी का बदला लेने के लिए फौरन आ गए तुम? मैंने तो इन्हें मना भी किया था, लेकिन लेकिन बस जब सुल्तान कुछ ठान लेता है तो करके दम लेता है। अब हम गोल गोल बात ना करें, सीधी बात करें। तो भाई सीधी सीधी बात यह कि मैं तो पहले ही साफ साफ बात करना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि बच्चों से मशवरा करके जवाब दूं। अच्छा, तो आप जवाब देने आए हैं? जी, हम जवाब देने ही आए। तो फिर देर किस बात की है? शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, हम हमतन गोश है। सफी चाचा, आपकी समझदारी की तो मैं दाद दूंगा, अगर तमाम वालदैन रिश्ते के मामले में इसी अंदाज से सोचें तो क्या बात है? है? किस अंदाज से? यही कि बेटी के मामले में किसी पर ट्रस्ट ना करें, किसी का कुछ पता थोड़ी होता है। अरे पता तो हमें भी चले ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों आदम बेटा, बता दे। फौरन बताएं बाबा। क्यों हलीमा जी, आपकी इजाजत है? अब बता भी दें क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम बताना ये चाह रहे थे भाभी के घर या रेस्टोरेंट में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों चीजें हम नाम करने को तैयार है। महा बेटी, मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? हरगिज नहीं। आज ही तुम रुखसती की तारीख दे दो, इस महीने के आखिरी जुमे को। 15 दिन बाद? जी, हमारी तैयारियां मुकम्मल है और जहेज की भी कतई कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ मुझे भी कोई एतराज नहीं। तो आप मिलाओ।